अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज शेख। रोल्स रॉयस का ख्वाब तो सभी देख सकते हैं, लेकिन इसको हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं। करोड़ों रुपए की ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जानी जाती है और दुनिया की तकरीबन सभी सेलिब्रिटीज़ अपनी कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस को शामिल करके फ़ख्र महसूस करती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि रोल्स रॉयस में आखिर ऐसी क्या बात है जो इसे दूसरी गाड़ियों से मुनफरिद बनाती है? इसमें ऐसी क्या बात है जिसने दुनिया को इसका दीवाना बना रखा है? आज की वीडियो में हम इन्हीं खसूसियात पर बात करेंगे जो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से मुनफरिद बनाती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस से मुतलिक बहुत सारी मिथ्स भी फैलाई गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज हम इन मिथ्स पर भी बात करेंगे। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस एक गरीब ख़ानदान में सन 1863 में इंग्लैंड के शहर एल्वॉल्टन में पैदा हुए। 4 साल की उम्र में हेनरी को खेत में चिड़ियां भगाने की नौकरी करना पड़ी। जब हेनरी 9 साल का था तो उसके वालिद इंतकाल कर गए और घर की सारी जिम्मेदारी हेनरी पर आ पड़ी। छोटी सी उम्र में ही हेनरी को कई नौकरियाँ करनी पड़ी और अखबार डालने से लेकर पोस्ट ऑफिस के टेलीग्राम्स की डिलीवरी तक हेनरी को ये नौकरियां करके चंद पैसे ही मिलते थे। हेनरी को पढ़ने का शौक़ था मगर वो हालात की वजह से स्कूल ना जा सके, मगर वो सेल्फ स्टडी करते थे और फारिग वक्त में वो एलजेब्रा, फ्रेंच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे मजामीन पढ़ते थे और इंजीनियरिंग उनका ट्रू एम्बिशन था। सन 1884 में उन्होंने अपनी एक कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी शुरू की और अगले चंद साल तक वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाते रहे, जैसा कि बयोनेट, लाइट बल्ब। और फिर सन 1894 में ये कंपनी इलेक्ट्रिकल क्रेन्स तक बनाने लगी। मगर हेनरी का इंटरेस्ट तो मोटर कार्स में था और सन 1901 में उसने एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर वाली कार खरीदी और इसे इम्प्रूव किया। फिर उन्होंने इरादा किया कि वो खुद ही कार्स बनाएंगे और फिर उन्होंने 3 कार बना भी डाली। फिर इनके एक बिजनेस पार्टनर हेनरी एडमंड्स ने उनकी मुलाकात चार्ल्स स्टीवर्ट्स रोल्स से कराई और इस मुलाकात ने मोटर कार का फ्यूचर बदल डाला। रोल्स सन 1877 में लंदन में पैदा हुए। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सन 1903 में चार्ल्स रोल्स ने कार डीलरशिप ओपन की और उन्होंने उसका नाम CS रोल्स एंड कंपनी रखा। रॉयस और रोल्स की ना सिर्फ उम्रों में फ़र्क था बल्कि क्लास और एजुकेशन गैप भी था। उस वक्त रॉयस 41 बरस के थे जबकि रोल्स सिर्फ 26 साल के थे। और फिर 1906 में रोल्स और रॉयस ने मिलकर रोल्स रॉयस कंपनी की बुनियाद रखी और फिर आई 6 सिलेंडर वाली सिल्वर घोस्ट, जिसने सिर्फ 1 साल में ही बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का एजाज़ हासिल कर लिया। हेनरी ने दिन रात मेहनत की जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब रहने लगी। और फिर सन 1910 में चार्ल्स एक प्लेन क्रैश के हादसे में इंतकाल कर गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी और अब हेनरी को अकेले ही कंपनी चलाना थी और उसके लिए उन्होंने निहायत मेहनत और लगन से काम किया। सन 1933 में हेनरी का भी इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक कंपनी के लिए काम किया और यही वजह है कि रोल्स रॉयस आज भी इंजीनियरिंग में एक मशहूर नाम है। सन 1980 में रोल्स रॉयस कंपनी को ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विकर्स ने ख़रीद लिया और सन 2003 से लेकर अब तक BMW के पास रोल्स रॉयस की मुकम्मल ओनरशिप है। BMW ने गुडवुड इंग्लैंड में रोल्स रॉयस का हेड ऑफिस खोला और अपना पहला मॉडल फैंटम 2003 में लॉन्च किया। रोल्स रॉयस एक ऐसी लग्जरी कार है जो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जानी जाती है
और दुनिया के 40 ममालिक में इसकी 130 के करीब डीलरशिप्स मौजूद हैं और ये ब्रांड आज भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के लिए मशहूर है। जैसा कि रोल्स रॉयस, कुलिनन, घोस्ट, फैंटम, रेड एंड डॉम। क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस की कार क्यों इतनी महंगी होती हैं? आखिर वो क्या खसूसियात हैं जो इस कार को इतना महंगा और मशहूर बनाती हैं? तो आइए जानते हैं रोल्स रॉयस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो रोल्स रॉयस को दुनिया में एक अलग पहचान देते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका पेंट जो इसको दुनिया की मुनफरिद कार बनाता है। रोल्स रॉयस अपने कस्टमर को 44,000 से ज़ायद कलर्स ऑफर करता है और कस्टमर इन 44,000 कलर्स में से अपनी पसंद का कलर मुंतखब कर सकता है। यही नहीं बल्कि कस्टमर अगर अपनी पसंद से इस कलर में कुछ बदलाव लाना चाहे तो ये भी मुमकिन है। और फिर जब वो कलर फाइनल हो जाता है तो फिर वो कलर इस कस्टमर के लिए मखसूस हो जाता है और अगर कोई और इस कलर को मुंतखब करता है तो कंपनी को पहले कस्टमर से परमिशन लेनी पड़ती है कि इस कलर की दूसरी गाड़ी बनाई जा सकती है। रोल्स रॉयस में दूसरी गाड़ियों की तरह पेंट नहीं किया जाता बल्कि इस पर पेंट की 5 लेयर्स बनाई जाती हैं। रोल्स रॉयस की एक कार में तकरीबन 45 किलोग्राम कलर इस्तेमाल होता है और अगर कस्टमर चाहे तो इस पेंट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ एडिशंस भी करा सकता है, जैसा कि कुछ लोग इस पेंट में डायमंड को क्रश कराकर इसको इस पेंट में शामिल करवाते हैं। रोल्स रॉयस कार पर डिटेल्ड पेंट वर्क हाथ से किया जाता है और इस पर जो कोच लाइंस बनी होती हैं वो भी हाथ से बनाई जाती हैं और वो सिर्फ़ एक शख्स करता है जिसका नाम है मार्क कोड। वो इस आर्ट वर्क के लिए जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं इसे गिलहरी के बालों से बनाया जाता है। अगर कोई कस्टमर किसी दूसरे मुल्क में अपनी गाड़ी पर ये आर्ट वर्क कराना चाहे या इसमें कोई तब्दीली कराना चाहे तो मार्क वहाँ जाकर इस कस्टमर के लिए पेंट करते हैं। रोल्स रॉयस गाड़ियों की महंगी होने की एक वजह कस्टमाइजेशन भी है, यानी कि कस्टमर अपनी पसंद के मुताबिक कार के कलर, डैशबोर्ड, रूफ, सीट कवर्स और गाड़ी की डेकोरेशन में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चेंजेस करवा सकते हैं। कुछ कस्टमर गाड़ी में सोना और डायमंड्स लगवाते हैं तो कुछ अपनी पसंद का आर्ट वर्क करवाते हैं, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह कस्टमर अपनी कार को जितना चाहे उतना महंगा कर सकता है। रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियाँ हैंडमेड होती हैं और इनको बनाने में रोबोट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए उसकी एक गाड़ी को तैयार करने में तकरीबन 3 से 6 माह का अरसा लग जाता है और इसको तैयार करने में किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला लेदर माउंटेन बुल से हासिल किया जाता है और उसको टेस्टिंग के कई मरहल से गुजारा जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि वो लेदर रोल्स रॉयस में इस्तेमाल होने के काबिल है या नहीं। इस लेदर को -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गुजारा जाता है और इस प्रोसेस को 10 दिन तक लगातार किया जाता है और फिर तसल्ली करने के बाद इसे रोल्स रॉयस में इस्तेमाल किया जाता है। और जनाब, आप उस लेदर को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, इस पर अपनी मर्ज़ी की कोई एम्ब्रॉयडरी या लोगो बनवा सकते हैं। एक गाड़ी के इंटीरियर को बनाने में 8 बुल्स की लेदर लगती है। एक और ख़ास चीज़ जो रोल्स रॉयस की ब्यूटी में इजाफा करती है वो है इसका स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। गाड़ी के बोनट पर लगा हुआ ये लोगो लव सिंबल है। ये कार मैगजीन के एडिटर और उनकी सेक्रेटरी के दरमियान लव अफेयर का सिंबल है। ये गाड़ी के बोनट के अंदर ही रहता है और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये बाहर निकलता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता।
क्योंकि अगर कोई इसको चुराने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो ये खुद ब खुद बोनट के अंदर चला जाता है। इसके अलावा रोल्स रॉयस गाड़ियों की एक खसूसियत ये भी है कि इसके केबन के अंदर बाहर का शोर तकरीबन ना होने के बराबर होता है और गाड़ी का केबन बहुत पुरसकून माहौल बनाता है। और कहा जाता है कि गाड़ी के अंदर इतनी खामोशी होती है कि आप इसमें लगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन सकते हैं। गाड़ी में लगे जीपीएस सिस्टम की वजह से ये गाड़ी पहले ही पता कर लेती है कि कहाँ कोई मोड़ आने वाला है या आगे कोई ऊंचा नीचा रास्ता है, आगे ट्रैफिक जैम तो नहीं है, और उसी के तहत ऑटोमेटिक गियर चेंज करती है। इसके व्हील के बीच में लगा हुआ आर लोगो टायर्स के साथ घूमता नहीं है बल्कि सीधा रहता है। इसमें जो टायर इस्तेमाल होते हैं उन्हें 21 इंच विंटर व्हील्स कहा जाता है। ये टायर्स बर्फ पर और 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी आराम से चल सकते हैं। ड्राइवर और इसके साथ वाली सीट के दरवाज़ों में एम्ब्रेला चैम्बर्स होते हैं और उसके साथ मौजूद बटन दबाने पर एक छतरी बाहर आ जाती है। इन चैम्बर्स के अंदर हीटर और फैंस लगे होते हैं जो गीली छतरी को खुश्क करने का काम करते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 18 स्पीकर्स दिए जाते हैं जो बेस्ट साउंड क्वालिटी फराहम करते हैं। रोल्स रॉयस की तकरीबन सभी गाड़ियों में V12 सिलेंडर 48 वाल्व पेट्रोल इंजन मौजूद होता है और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। ये 820 से 900 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कस्टमर अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज करा सकते हैं और बाज़ कस्टमर तो गाड़ी की असल कीमत से ज़्यादा पैसे इसे कस्टमाइज कराने में खर्च कर देते हैं और इन कस्टमाइजेशन की वजह से इन गाड़ियों की कीमत की कोई हद मुकर्रर नहीं है। रोल्स रॉयस का एक मॉडल ऐसा भी है जिसे सिर्फ रॉयल फैमिली ही ख़रीद सकती है और वो है फैंटम 4। इसकी सिर्फ 18 गाड़ियां ही बनाई गई थीं और इनमें से आज सिर्फ 16 गाड़ियां ही मौजूद हैं। रोल्स रॉयस कंपनी का एक रूल ये भी है कि इसका ओनर गाड़ी की सर्विस या मेंटेनेंस रोल्स रॉयस कंपनी के अलावा कहीं बाहर से नहीं करा सकता। अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी आपके सारे सर्विसिंग राइट्स को ख़त्म कर देती है। जब कोई चीज़ इतनी मशहूर हो जाती है तो उसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ और मिथ्स भी जन्म लेती हैं। रोल्स रॉयस के साथ भी ऐसा ही है। इसके मुतल्लिक भी बहुत सी मिथ्स लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। वो क्या हैं आइए जानते हैं। एक सबसे बड़ी गलत फहमी जो लोगों के जहनों में बैठी हुई है वो ये है कि रोल्स रॉयस की गाड़ी को हर कोई नहीं ख़रीद सकता, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। बल्कि रोल्स रॉयस अपनी गाड़ी बेचने से पहले अपने कस्टमर के मुतल्लिक जांच पड़ताल करती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पॉपुलर है, किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है या कोई सेलिब्रिटी है वगैरह वगैरह। मगर इसमें कोई हकीकत नहीं। जिसके पास पैसे हैं और वो इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है वो इसे ख़रीद सकता है, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो। बस आपके पास इसे ख़रीदने के पैसे होने चाहिए। हाँ, अलबत्त रोल्स रॉयस फैंटम 4 की जो गाड़ियाँ बनी थी उन्हें सिर्फ रॉयल्स फैमिली ने ही ख़रीदा था और वो बहुत लिमिटेड तादाद में बनी थी और उसकी सिर्फ 18 एडिशंस ही मार्केट में आए थे और वो सबके सब रॉयल फैमिली के पास थे। एक दूसरी मिथ यह है कि रोल्स रॉयस की गाड़ी कभी ख़राब नहीं होती या टूटती नहीं। इसमें भी कोई हकीकत नहीं। गो कि ये बात सही है कि रोल्स रॉयस की गाड़ी बहुत महारत से बनाई जाती है और दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा मज़बूत होती है, मगर इस बात में कोई हकीकत नहीं कि वो कभी ख़राब ही नहीं होती। तीसरी मिथ यह है कि रोल्स रॉयस के बोनट पर बना हुआ स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बहुत ज़्यादा महंगा होता है और यह सोने और चांदी से बना हुआ होता है। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं। हकीकत में ये लोगो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है
हाँ, अलबत्ता बाज़ लोग इसमें कस्टमाइजेशन करा कर इसे गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड वगैरह करवा लेते हैं। चौथी मिथ यह है कि रोल्स रॉयस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को ख़रीद सकती है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। असल में तो रोल्स रॉयस की ओनरशिप भी BMW के पास है। सन 2003 में BMW ने रोल्स रॉयस कंपनी को ख़रीद लिया था। पांचवी मिथ यह है कि रोल्स रॉयस की गाड़ी में लगा हुआ AC इतना पावरफुल होता है कि उसकी ठंडक 30 रेफ्रिजरेटर्स के बराबर होती है। ये भी सरासर गलत बयानी है। इसमें लगा हुआ AC भी दूसरी लग्जरी गाड़ियों की तरह है और इसका काम भी इतना ही है कि गाड़ी के अंदर ठंडक रहे, ना कि अंदर बर्फबारी कराए। एक मिथ ये भी है कि रोल्स रॉयस की किसी भी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और कंपनी इसकी इजाज़त नहीं देती। दुनिया में बहुत सारे बड़े होटल्स के फ्लीट में रोल्स रॉयस की गाड़ियां शामिल होती हैं। इसके अलावा कई कार रेंटल कंपनीज भी रोल्स रॉयस को एज ए टैक्सी इस्तेमाल करती हैं। एक मिथ ये भी है कि रोल्स रॉयस गाड़ी में सफ़र करते हुए उसके केबिन में इतनी खामोशी होती है कि आपको इसमें लगी घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज़ या शोर सुनाई नहीं देता। यह मिथ किसी हद तक सही है, क्योंकि रोल्स रॉयस अपनी गाड़ी में कई सौ किलो तक इंसुलेशन मटेरियल जैसे कि फोम और अलॉय इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अंदर बैठे पैसेंजर को एक पीसफुल माहौल मिलता है। नाज़रीन, आपको रोल्स रॉयस की कौन सी खसूसियत सबसे ज़्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।